हे गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा एंड आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई इस टाइम पे अपने सामने खड़ी है क्विड, रेनॉल्ट की क्विड। देखो कितनी ही प्यारी लग रही है। तो भाई इस टाइम पे ये क्लाइंबर वर्जन अपने सामने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ खड़ा है। तो बात कर लेते गाड़ी का, कुछ इस तरीके का फ्रंट का लुक आने आ रहा है। टेस्ट ड्राइव व्हीकल अरेंज हो रखी है भाई इस टाइम पे। तो बात कर लेते कार के फ्रंट से, तो भाई अपने को यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो इस जगह पर देखने को मिल जाता है क्रोम में। मैट ब्लैक फिनिश की इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर भाई अपने को यहाँ पर भी इसमें क्रोम के इनलेट्स कार में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर ग्रिल के साथ एक छोटी सी असेंबली देखने को मिल जाती है, जो कि भाई इंडिकेटर की असेंबली अपने को कह सकते हैं, और DRL की असेंबली इस जगह पर देखने को मिल जाती है। LED के अंदर इसके DRL एंड जो इंडिकेटर्स हैं भाई वो अपने को हेलोजन में ही देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही बात कर लेते इसकी हेडलाइट्स की, तो भाई अपने को यहाँ पर डुअल चैम्बर्ड हेडलैम्प्स हेलोजन के अंदर देखने को मिल जाते हैं हाई एंड लो बीम के लिए। इस जगह पर बम्पर में अपने को यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, साथ में जो वाइट कलर की फिनिश इस जगह पर आउटर में देखने को मिल जाती है। तो भाई जो बम्पर है इसका, भाई ग्लाइडिंग जो नीचे की साइड पर है उसमें डिफ्यूज़र अलग से देखने को मिल जाता है, जिसमें वाइट एंड हम कह सकते हैं चारकोल पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाता है। की की बात करें तो गाड़ी की, तो कुछ इस तरीके की अपने को इसकी की देखने को रेनॉल्ट की देखने को मिल जाती है। तो भाई लॉक एंड लॉक का बटन जो है वो कार की के अंदर ही प्रेजेंट है। कह लेते गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरीके की गाड़ी का साइड प्रोफाइल कार में आने वाला है। इंजन की बात करें तो भाई अपने को इसके अंदर इंजन देखने को मिल जाता है 1 लीटर का, या फिर हम कह सकते हैं 1000 cc का इंजन, 3 सिलेंडर का पेट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि 87 BHP की पावर एंड 91 Nm का टॉर्क अपने को प्रोड्यूस करके दे देता है। साथ में बात करें तो अब इसके टायर्स की, तो भाई अपने को यहाँ पर आप लोग को देख के लग रहा होगा ये भाई अपने को अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। ये है व्हील कवर्स, स्टील रिम कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई व्हील कवर्स देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू उसके साथ लग रहे हैं कि जैसे अलॉय व्हील्स हो। और साथ ही 14 इंची के अपने को इसके अंदर व्हील कवर्स हम कह सकते हैं, या फिर हमारे टायर्स देखने को मिलते हैं। सीएट के टायर्स फ्यूल स्मार्ट सीरीज़ के देखने को मिलते हैं। फ्रंट में अपने को यहाँ पर डिस्क एंड रियर में ड्रम देखने को मिल जाता है। इसी बात कर लेते हैं अब इसके भाई ग्लाइडिंग की, तो व्हील आर्च के ऊपर ग्लाइडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दी गई है। यहाँ पर वैसे इंडिकेटर होते हैं इससे छोटे नीचे के मॉडल्स के अंदर, वेरिएंट्स के अंदर, बट यहाँ पर इसमें भाई अलग से बल्ब दे रखा है, जो कि एकदम हम कह सकते हैं देखा जा सकता है। इस जगह पर अपने को वाइट कलर के भाई RVMs देखने को मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और साथ में यहाँ पर LED का टर्न इंडिकेटर इसके ऊपर लगाया गया। क्लाइंबर की बैजिंग सब कुछ बढ़िया इस जगह पर देखने को मिल जाती है। मैट ब्लैक की बीडिंग देखो कितनी बड़ी दी गई है, मैट ब्लैक ही अपने को इसके अंदर भाई डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। रूफ की बात कर लेते हैं, रूफ में अपने को यहाँ पर रूफ रेल्स देखने को मिल जाती हैं, तो भाई यहाँ पर भी अपने को वाइट कलर की फिनिश देखने को मिलने वाली है। तो आ जाते हैं अब इसमें भाई रियर साइड प्रोफाइल की तरफ। तो रियर साइड प्रोफाइल कार का कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को यहाँ पर भाई रिवर्स व्यू कैमरा इस जगह पर प्लेस्ड है, साथ ही क्विड नीचे लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, रेनॉल्ट इस जगह पर देखने को मिल जाता है। टेल लाइट्स की बात करते हैं, भाई टेल लाइट्स अपने को कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाता है, हेलोजन के अंदर ही है, हेलोजन के अंदर इंडिकेटर रिवर्स एंड हम कहें तो भाई इसका जो ब्रेक लैंप है वो देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर अपने को वर्टिकल प्लेस कर दिए गए हैं, और जो इसमें भाई अपने को 2-3 पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। रियर में डिफ्यूज़र भी अपने को वाइट एंड चारकोल कलर का ही देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर अपने को डुअल शेड के अंदर इसका रियर बम्पर देखने को मिलता है, फ्यूल लिड अपने को इस साइड पर देखने को मिलने वाली है। तो अब आप लोग को लेकर चलते हो कार के इंटीरियर की तरफ। भाई इंटीरियर के अंदर अपने को सबसे पहले डोर पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को वाइट कलर इस जगह पर भी देखने को मिलता है। क्रोम का डोर हैंडल है इस तरफ, अपने को बोतल होल्डर विद डॉक्यूमेंटेशन विद स्पेसिंग। सीट्स की बात कर लेते हैं, अपने को सीट्स भाई क्लाइंबर का जो एडिशन आया था वो येलो एंड ब्लैक का ही आया था मेनली, तो भाई उस वजह से इसके जो इंटीरियर्स हैं वो सारी गाड़ियों के सेम है। तो ये देखो भाई ये वाला सीन कार का कुछ आने वाला है। इस जगह पर अपने को येलो एंड ब्लैक फिनिश के अंदर इसका इंटीरियर में सीट्स देखने को मिलती है, जो कि रिक्लाइनर एंड हम कह सकते हैं आगे पीछे वाली सीन में देखने को मिल जाती है। अब आप लोग को लेकर चलते हो कार के इंटीरियर की तरफ। कार के इंटीरियर में बैठने के बाद भाई कुछ इस तरीके की गाड़ी का लुक आने वाला है, जो कि ये देखो भाई स्टेयरिंग व्हील देखो थोड़ा सा फ्लैट है, बाकी राउंड स्टेयरिंग व्हील है। और इसके अंदर अपने को यहाँ पर भाई एयरबैग कार में देखने को मिलता है, और साथ ही पियानो ब्लैक फिनिश में इसका रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिल जाता है। इस तरफ अपने भाई वॉल्यूम रॉकर्स हैं, दूसरी साइड पर अपने कॉल रिसीविंग का ऑप्शन एंड म्यूट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लेते हैं, भाई रेनॉल्ट एक चीज़ बढ़िया देती है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर सारी अपनी ऊपर से लेके नीचे तक की गाड़ियों के भाई डिजिटल देती है। देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है, डिजिटल स्पीडोमीटर कार के अंदर देखने को मिल जाता है, तो एकदम बढ़िया सीन है ये भाई, बेस से लेके टॉप तक सेम रहता है। इस तरफ की बात करें तो अपने को राउंड AC वेंट इस जगह पर देखने को मिल जाता है। अरे भाई बंद शांत। इस तरफ अपने को यहाँ पर भाई इसके ORVM कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आ जाते हैं साइड में, तो भाई बीच में अपने को इंफोटेनमेंट कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी अपने को वाइट कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर भाई टच स्क्रीन इस जगह पर देखने को मिलने वाला है।
तो ब्लूटूथ वगैरह की कनेक्टिविटी के साथ अपने को ये देखने को मिल जाता है। इधर अपने को पियानो ब्लैक फिनिश इस जगह पर भी देखने को मिलती है। साथ में अपने को यहाँ पर भाई हजार्ड स्विच, लॉक अनलॉक और इस तरफ की विंडो कंट्रोल्स इस जगह पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अपने को मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल इस जगह पर प्रेजेंट है। साथ ही नीचे की बात कर लेते तो भाई अपने को यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। USB एंड ऑक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को भाई इसका एयर हम कह सकते हैं एक तरीके से कार फ्रेशनर देखने को मिलने वाला है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर अपने को थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेसिंग, इस तरफ अपने को इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने मिलता है, वो देख रहे हो रेगुलेटर शेप वाला। इधर भी अपने को व्हाइट कलर की फिनिश इस जगह पर देखने को मिलने वाली है। हैंड ब्रेक इस जगह पर प्लेस्ड है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने को क्विड की बैजिंग। भाई जो ये रेनॉल्ट है ना, रेनॉल्ट सारी जगह पर ये चीज़ बढ़िया करती है कि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ सबके अंदर इस जगह पर बैजिंग आ जाती है। तो यहाँ पर भी अपने को एक एयर बैग देखने को मिल जाता है, जो इसका भाई ग्लव बॉक्स है देखो कितना ही बड़ा है साइज के अंदर, जो कि यहाँ पर भी अपने को OBD पोर्ट इस जगह पर देखने को मिलने वाला है। तो इसको कर देते हैं अगर हम लोग बंद, तो यहाँ पर IRVM अपने को डे नाइट सीन वाला देखने को मिल जाता है। इस तरफ अपने को यहाँ पर भाई किसी भी तरीके की वैनिटी देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर अपने को माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इस तरफ भी किसी भी तरीके की वैनिटी देखने को नहीं मिलेगी। हेलोजन के अंदर इसका कैबिन लैम्प देखने को मिलने वाला है। तो भाई कुछ इस तरीके की गाड़ी का सीन आने वाला है। इसको कर देते हैं बंद। अब आपको लेके चलते हैं इसके रियर साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई डोर पैनल ओपन करके अगर हम लोग आ जाते हैं इसके रियर साइड प्रोफाइल की तरफ, तो रियर साइड में अपना कुछ सामान पड़ा है तो उस चीज़ को हटा देना। तो ये देखो भाई ये चीज़ है, अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पावर विंडो इस जगह पर देखने को मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट कार के अंदर किसी भी डोर के अंदर नहीं की गई है, तो वो थोड़ा यूनिक ही होगा सिस्टम जो भी है। भाई बात कर लेते हैं अगर अपने कोई कुछ इस तरीके का सीन आने वाला है। यहाँ पर फिक्स्ड हेडरेस्ट अपने को फ्रंट एंड बैक में दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो रियर साइड का कुछ इस तरीके का लुक था। हाँ भाई अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप लोग के लिए एकदम बढ़िया गाड़ी होने वाली है, एक अच्छी खासी चॉइस आप लोग के लिए होने वाली है। बूट की तरफ चलते हैं तो भाई बूट स्पेस अपने को गाड़ी को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने को यहाँ पर पार्शियल ट्रे कार के अंदर प्रेजेंट है। नीचे की साइड पर कुछ इस तरीके की कार के अंदर बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है गाड़ी के अंदर अकॉर्डिंगली। तो इसमें रेड कलर का भाई अपने को 14 इंच का स्टील रिम ही देखने को मिल जाता है सीएट के टायर के साथ। तो भाई कुछ इस तरीके की अपने को इसमें रेनॉल्ट की क्विड देखने को मिलती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसी लगी। भाई मेरे को तो बाकी मतलब एक कॉम्पैक्ट के हिसाब से अगर आप गाड़ी चूज़ कर रहे हैं एंड आपको अच्छी खासी माइलेज एंड हम कह सकते हैं रेनॉल्ट ब्रांड की गाड़ी चाहिए ना, तो आप इसके लिए आँख बंद करके ईजिली जा सकते हैं। तो आप लोग बताना आपको कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो कैसी लगी। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी लगी है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।